को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर आज महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा अध्यक्ष उमेश शर्मा एडवोकेट के नेतृत्व में एसएसपी आवास स्थित ब्रज के नीचे हाल ही में हुए डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस क्रम में कांग्रेसियों ने सदर तहसील तक बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी खींचकर बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दामों का विरोध किया। महानगर कांग्रेस कमेटी के महामहिम राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन तहसीलदार नीरज यादव को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए मूल्यों को वापस लेने की मांग की। हम लोगों ने तहसील सदर में ज्ञापन दिया है। प्रदेश व्यापी अभियान के तहत माननीय अजय कुमार लल्लू जी, प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में तहसीलों पर प्रदर्शन हो रहा है। चूँकि मूल पेट्रोल डीजल की मूल वृद्धि लगातार हो रही है और उसके बाद उत्पादन शुल्क सरकार, ये निकम्मी मोदी सरकार बढ़ाए जा रही है। इसकी वजह से किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, उसके बाद में फैक्ट्री मालिक परेशान है। अगर यह डीजल की मूल्य वृद्धि इसी तरीके से होती रही, इस देश में पहले से ही भयंकर बेरोजगारी छाई हुई है, उस बेरोजगारी में और बढ़ावा होगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था लगातार टूटती जा रही है।